तो स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। और जैसा कि आपने नीचे पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पर है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो फॉर्च्यूनर पर है और मैंने फॉर्च्यूनर की एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप वो देखिए। तब तक मैं चेंज करके आता हूँ और मिलते हैं फॉर्च्यूनर के पास। बाय। तो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाड़ी की कुछ की फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। और हर कार की तरह या हर प्रीमियम कार की तरह इसमें भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। इस गाड़ी का की फीचर है कि इसका जो फ्रंट मिरर है, इसके अंदर जब पीछे की गाड़ी का हेडलैम्प का लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों में नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आँखों में स्ट्रेस नहीं आता। और ये फीचर स्पेशली नाइट टाइम पे ड्राइव करने के लिए है। और हर प्रीमियम कार की तरह इस कार में भी नेविगेशन यानी जीपीएस है। इसके ज़रिए आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं बिना किसी इंटरनेट के। और इस गाड़ी के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, यानी कि ये तीन फीचर्स, पहला है IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या होता है, जब आप गाड़ी के गियर चेंज करते हैं तो गियर चेंज करते टाइम गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं होती है इस मोड के अंदर। और दूसरा जो मोड है वो है इको मोड। इस मोड में क्या होता है, गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है और पिकअप थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके वजह ये मोड स्पेशली सिटी के लिए है। और बात करते हैं गाड़ी के थर्ड फीचर यानी कि पावर मोड के बारे में। इस मोड में क्या होता है, गाड़ी का पावर बढ़ जाता है और पिकअप कम हो जाता है। जब आप हिल पर क्लाइम करते हैं तो आप हिल में ईजिली क्लाइम कर सकते हैं इस मोड के ज़रिए। और वैसे भी ये ऑफ रोडर है तो होना ही था ये। और हर प्रीमियम कार की तरह इस कार में भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट है, लेकिन सिर्फ फ्रंट्स के। तो मैं चलिए आपको ये यूज़ करके दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल क्या होता है कि आपको सिर्फ बटन को आगे या पीछे प्रेस करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बटन को पीछे की तरफ प्रेस किया तो सीट ऑटोमेटिक पीछे जा रही है। तो मैं इसे वापस ओरिजिनल पोजिशन में लेके आता हूँ आगे की तरफ प्रेस करके।
और आपको अगर नीचे की साइड सीट की आगे या पीछे करनी है तो इसे ऐसे पीछे की तरफ पुश करिए पीछे करने के लिए, और आगे पुश कीजिए आगे करने के लिए। बाजू में भी ऑफर की है लेकिन पीछे मैनुअल है, आपको खुद से करना पड़ेगा। ये सिर्फ फ्रंट के दो सीट्स इलेक्ट्रिक है। और इस गाड़ी में ऑफर की है 6 स्पीकर जो जिसके अंदर एक्स्ट्रा वूफर भी लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्पीकर है। और यहाँ पे भी इसके स्पीकर्स ऑफर किए सेम उधर के साइड में भी और नीचे के डोर में भी किया हुआ है। तो चलिए गाड़ी के पीछे के साइड चलते हैं। तो चलिए मैं गाड़ी में बैठता हूँ। तो देखिए टोयोटा ने इस गाड़ी में लेदर सीट ऑफर की है, टोयोटा ने पीछे के डोर में इतने बड़े बड़े स्पीकर्स ऑफर किए हैं, और ऊपर के साइड ये ट्विटर है। टोयोटा ने इस डोर में पूरे लेदर सीट्स की फिनिश ऑफर की है, और आप देख सकते हैं ये पूरा क्रोम से ऑफर किया है, और इसी के साथ पावर विंडो भी है। जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो आपको एकदम प्रीमियम फीलिंग आती है, एकदम प्रीमियम ऐसा लगता है आप कुछ एकदम लग्जरियस कार में। और वैसे भी टोयोटा की फॉर्च्यूनर एक लग्जरियस कार में बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो जैसा कि आप जानते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर बहुत लोगों की ड्रीम कार है, एक समय मेरी भी ड्रीम कार थी, और ये स्टोरी मैं आपको व्लॉग के एंडिंग में बोलूँगा। तो अभी गाड़ी के फीचर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं 5'6" का हूँ, और मैं यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल बैठा हूँ। मेरे पैर के और ड्राइवर सीट के बीच में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं, मैं एकदम आराम से बैठा हूँ। आप गाड़ी चालू करते टाइम यहाँ पे आपको USB पोर्ट ऑफर किया है, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं गाड़ी चालू रहने के बाद भी गाड़ी के अंदर। और आप देख सकते हैं ये है लेगरूम लैम्प, इसका कलर आप ब्लूटूथ के जरिए फ़ोन से चेंज कर सकते हैं। और इस डोर की तरह इस डोर में भी सेम ही फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे लेदर फिनिश, क्रोम स्पीकर्स और पावर विंडो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप एक बार इसे बंद कर देंगे तो विंडो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और एक बार नीचे प्रेस कर दोगे तो विंडो ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है। और टोयोटा ने यहाँ पे ऑटोमेटिक AC दिए हैं। जब आप ऑटो पे क्लिक करते तो आपने जो भी डिग्री सेल्सियस आगे सेट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 24.5 डिग्री सेल्सियस सेट किया है, तो ये AC ऑटो पे रखने से 24.5 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएंगे तो वैसे वैसे ऑटोमेटिक स्पीड कम करते जाएंगे। और ये वाइट कलर की लाइट्स ऑफर किए हैं टोयोटा ने, और ये बटन दबाने से जब आप गाड़ी के कोई डोर खुला है तो ऑटोमेटिक लाइट्स चालू हो जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठ के मुझे सिर्फ 2 मिनट हुए और पूरी गाड़ी ठंडी हो चुकी है। आप इसे ऑटो के अलावा मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, कि जैसे कि आप देखिए मैं इसको मैन्युअल स्पीड सेट कर रहा हूँ अपने तरीके से, या आप ऑटो भी कर दीजिए, सबसे बेस्ट तो ऑटो छे। तो देखिए ये मेरा भाई है, इसकी हाइट 5'11" है, और ये कितना कम्फर्टेबल बैठे है अंदर देखिए। और आप देख सकते हैं कि ये घुटने के और सीट के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और एकदम लग्जरियस कार है ये। और जब आप अंदर बैठते हैं तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाइट पे बैठे हुए, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है। और आप इसके टायर भी देख सकते हैं, ये 18 इंच के अलॉय व्हील है, और ये कितने ज़्यादा ब्रॉड है अंदर से, और इसका अलॉय भी कितना खूबसूरत लगता है देखिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस गाड़ी की, देखिए मैं इसके चाबी से ही टेलगेट खोलता हूँ। 2 सेकंड प्रेस करने से ही टेलगेट खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है, मैं बंद करके भी दिखा देता हूँ, और आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। वैसे मैं ये कितना प्रीमियम लगता है फॉर्चुनर लिखा हुआ, ये पूरा क्रोम की फिनिश में फॉर्चुनर लिखा हुआ, एकदम सबसे प्रीमियम चीज़ गाड़ी की ये। और ये वाली एसेसरी जो आप अलग से खरीदना पड़ता है गाड़ी के साथ, तो मैं आपको एसेसरीज भी बताऊंगा जो हमने गाड़ी को लगाई हुई है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी को अलग से लगाना पड़ता है, ये है रेयर अंडर रन, ये बहुत अच्छा दिखता है करके लगाया हुआ है, वैसे ये सेफ्टी का काम भी करता है। और आप इसके प्रीमियम टेल लैंप्स को देखिए कितने क्लासी लगते हैं। तो चलिए क्रोम के स्ट्रिप्स ऑफर किए हैं, और इसके डोर के हैंडल भी क्रोम के साथ है। गाड़ी की हाइट ज़्यादा करके यहाँ पे आपको फुटरेस भी दिया हुआ है कि आप इसके ऊपर चढ़ेंगे फिर गाड़ी के अंदर बैठेंगे।
और ये फॉर्च्यूनर लिखा हुआ यहाँ पे साइड स्ट्रिप्स, ये भी हमने अलग से लगा हुआ है, एक्सेसरीज में ये गाड़ी ऑफर नहीं करती है, ये हमने खुद से लगाया हुआ है, शोरूम से लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक टच में सीट फोल्ड हो जाती है, एक टच में, सिर्फ सिंगल टच में। और मैं इसे वापस रख देता हूँ। तो आपको मैंने दिखाया था जैसे कि आगे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीटें, वैसे पीछे के रो में नहीं दिया हुआ है, वैसे तो देना चाहिए क्योंकि इतनी प्रीमियम गाड़ी, इतने पैसे दे के आप ये गाड़ी ले रहे हैं और आपने ऐसे छोटे मोटे फीचर्स मिस हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा ही लगता है। लेकिन गाड़ी एकदम प्रीमियम है, जब आप बैठेंगे तो आपको खुद को समझेंगे कि गाड़ी कितनी प्रीमियम है। आप यहाँ से भी गाड़ी को खोल सकते हैं एक बटन से, देखिए इस सामान को इग्नोर करें क्योंकि ये हमारे शूटिंग का सामान है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हर जगह लेके घूमता हूँ, हैंड सैनिटाइजर। तो मैं आपको ये सीट खोल के भी दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले ये खोलना है, फिर उसके बाद ये सीट का, अब जाके ये सीट आप, अरे सॉरी एक चीज़ तो भूल ही गए, इसे खोलना पड़ता है। अब जाके देखिए ये सीट लग चुकी है और ये खुल चुकी है। और आपको इसे वापस से बंद करना है तो इसे जस्ट इसे खींचना है और इसको यहाँ पे अटका दीजिए। वैसे तो मैंने गाड़ी में ये सीट ज़्यादातर फोल्ड ही रहती है क्योंकि हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। और ये देखिए इसके यहाँ पे भी आपको फ़ोन चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है। और तो गाड़ी के अंदर आप एयर पंप रख सकते हैं और कभी भी इमरजेंसी में अगर गाड़ी की टायर की हवा कम है तो यहाँ पे एयर पंप लगा दीजिए और अपने टायर में जल्दी से हवा भर लीजिए, मैकेनिक की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे गाड़ी का कभी टायर पंचर हो जाए तो आपको टूल्स भी ऑफर किए गए हैं। ये देखिए ये है इसका साइड स्टेप ढोरकन का एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये इसके अंदर टूल्स है, यहाँ पे फर्स्ट एड किट्स है। कृपा करें कि इस चीज़ों की ज़रूरत आपको कभी ना पड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बहुत धूप है लेकिन हम आपके लिए धूप में शूट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो देखिए गाड़ी अभी नॉर्मल मोड पे है और फिर भी गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है। तो अभी मैं इसे डाल देता हूँ IMT पे, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो वहाँ पर आपको देख सकते हैं कि IMT चालू हो चुका है, देखिए वहाँ पर IMT लिखा हुआ है। और जब गाड़ी के गियर आप शिफ्ट करते हैं इस मोड में तो गाड़ी वाइब्रेट नहीं होती है बिल्कुल भी। तो चलिए मोड चेंज करते हैं, ये है इको मोड। तो देखिए मैं इको मोड चालू कर रहा हूँ, इको मोड चालू हो गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इको मोड में गाड़ी का पिकअप जितना है उतना ही रहता है, बस गाड़ी का माइलेज ज़्यादा मिलता है आपको। तो चलिए इको मोड ऑफ कर देते हैं, इको मोड ऑफ हो गया। अब गाड़ी को डालते हैं पावर मोड पे, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का पिकअप कितना बढ़ गया, गाड़ी अभी चल रही है 100 पे और बहुत जल्दी गाड़ी ने ये स्पीड ले ली है। वैसे तो ये मोड स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए, आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो चलिए सारे मोड्स ऑफ कर देते हैं। और ये वाला जो आप स्विच देख सकते हैं ये है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चिलर है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, पानी की बॉटल वगैरह जो ठंडी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर AC है यहाँ पे ये, और ये नीचे का ग्लोव बॉक्स है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना स्लोली खुलता है ये। और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, ऐसे सेम टाइप का चिलर आपको मिलता है थर्ड रो में बॉटल होल्डर का, उधर भी आपको चिलर मिलता है बट वो थोड़ा अलग है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आती है लेकिन बॉटल इतनी ठंडी भी नहीं होती है तो ये उससे बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने गाड़ी में बहुत सारे एक्सेसरीज लगाए, उसमें स्पीकर भी आता है। तो मैं आप बताना चाहूँगा कि ये जो स्पीकर में आपने अभी म्यूज़िक सुना वो कंपनी के स्पीकर्स नहीं थे, वो हमने लगा के लिए क्योंकि हमको बेस के गाने सुनना ज़्यादा पसंद है और कंपनी के स्पीकर से मैग्नेट थोड़ा छोटा आता है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेस का मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए एक्सटर्नल स्पीकर लगाए थे बाहर से, क्योंकि ये ऑनेस्ट रिव्यू है तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो जैसा कि मैंने ब्लॉग के बीच में बताया था आप लोगों को कि मेरी फॉर्चुनर मेरी बहुत टाइम से ड्रीम कार है और इसके पीछे एक स्टोरी है, ये मैं ब्लॉग की एंडिंग में बताऊंगा। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं 2014 में मेरे कज़िन के साथ एक जगह घूमने को गया था तो हम लोगों ने फॉर्चुनर का पुराना मॉडल देखा था। अभी तो फॉर्चुनर का नया मॉडल निकला है 2017 में, लेकिन वो टाइम पे जब फॉर्चुनर का पुराना मॉडल था तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों को फ्यूचर में फॉर्चुनर हीच लेनी है। तो जब फॉर्चुनर का न्यू मॉडल आया, हमने उसकी टेस्ट ड्राइव ली, हमें वो बहुत पसंद आई वो कार। तो तभी जैसे कि आप लोगों को तो पूछते थे आप लोग कार लेने के पहले कि मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, मैं फॉर्चुनर देख रहा हूँ, ये कार देख रहा हूँ, तो लोगों की ओपिनियन तो बहुत डिफरेंट होते हैं। कि जैसे कि बहुत लोगों ने बताया कि आप फोर्ड की एंडेवर देखिए, बहुत भारी ऑफ रोडर है। हमने एंडेवर भी देखे, वो भी बहुत पसंद आई, लेकिन वी गो फॉर द फॉर्चुनर। तो यही थी मेरी स्टोरी फॉर्चुनर से रिलेटेड, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।